हमारे सिम्बा भाऊ आए, लेकिन अपने सिंगम बाबा, अक्षय मामा, सत्य काका आणि आपली दीपिका ताई असं बोलू शकतो. हॅलो वन, माय नेम इज दीपिका, वेलकम टू बॉलिवूड प्रेमी. दोस्तों, सिंगम 3 की अनाउंसमेंट तो बहुत पहले कर दी है रोहित पहले, लेकिन धीरे धीरे अपने एक एक कैरेक्टर को रिवील करते हुए जा रहे हैं. सबसे पहले दीपिका का किया, फिर टाइगर, फिर सिम्बा आया और आज आ गए खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार का पोस्टर हमारे साथ आ गए, हमारे मुंबई के 3 इडियट गोलू विघ्नेश समृद्ध. स्वागत है तीनों का टू बॉलीवुड प्रेमी. थैंक यू, धन्यवाद. जो पोस्टर्स आए हैं सिंगम 3 के, हाँ जी सर, इस पे हम बात करेंगे. शुरुआत करूंगा फर्स्ट मुंबई गोलू के साथ में, क्या कहना चाहोगे इन सब? देखो यार, अब की बार जो ये यूनिवर्स इन्होंने बनाया बहुत बेहतरीन बनाया, क्योंकि हर एक कॉप यूनिवर्स का पिक्चर हिट ही जा रहा है. मेरे हिसाब से तो हिट ही है सब पिक्चर, सुपर डुपर हिट है. और लास्ट में आई थी सूर्यवंशी, जो लॉकडाउन में वो वाली पिक्चर जिसने थिएटरों पे लाइन लगवाना फिर से शुरुआत दिखाई, पहली पिक्चर है लॉकडाउन के बाद की हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री की, सूर्यवंशी, जिसपे लोग आना चालू किए थिएटर पे और बॉक्स ऑफिस पे गर्दी लगी. लेकिन टिप टिप बरसा पानी ने तो बैंच आग ही लगा दी यार. जो एक एक कैरेक्टर इन्होंने रिवील किए शेट्टी सर ने, पहले क्या नाम उनका, शक्ति शेट्टी, वो जो एक लाइक क्या बोलते हैं उसको, बहुत अलग ही लुक था, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एंगर वाला लुक था. और जो गोली ऐसा बंदूक सर पे रख के बहुत अलग ही पोज दिया था उन्होंने, बहुत वायरल भी हुआ. फिर आए दूसरे हमारे सत्या साहब, सत्या एसीपी सत्या. कैसे लग रहे इनके फेवरेट? अच्छा है टाइगर भाई. अच्छा, कौन बोला? हाँ ठीक है बोला सत्या. या ऑफ कोर्स, मतलब एज यूजुअल टाइगर श्रॉफ अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़बरदस्त अक्षय कुमार लगे. आज वैसे सूर्यवंशी को 2 साल हो गए, आज ही के दिन 2 साल पहले पूरा लाइन भर पूरा खतार लगी थी, सूर्यवंशी ब्लॉक बस्टर बन गई, तो उसी खुशी में अक्षय कुमार का पोस्टर उन्होंने आज डाल दिया. तो ऑफ कोर्स खिलाड़ी बॉक्स ऑफिस को छोड़ के अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन या हो जाएंगे. तो यार हेलीकॉप्टर पे लटकते हो? हाँ, वो बोलते हैं ना, वापस से हेलीकॉप्टर से लटका के क्यों आया तू, हमेशा गाड़ी घुमा के क्यों आता है. तो या एक्साइटेड तो है, अभी थोड़ा और टाइम बाकी है, अभी 6 महीना और बाकी है, आई थिंक सो अगस्त में आ जाएगी होपफुली. यस 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 यस. तो यार बहुत ही एक्साइटेड में तो अभी से है हम लोग. okay. अभी क्या बोले. okay. टाइगर का पोस्टर अच्छा लगा था आपको? यस yes. और अभी अक्षय का भी पसंद आया है. आता हूँ थर्ड के पास में, एक और पोस्टर आया था सिम्बा का. यस सर जी, सिम्बा भाऊ, हमारे सिम्बा भाऊ आए, लेकिन अपने सिंगम बाबा, अक्षय मामा, सत्य काका आणि आपली दीपिका ताई असं बोलू शकतो, आई मीन ऐसा बोल सकते हैं. ये अभी ये पूरा कॉप यूनिवर्स भी बनाने वाले हैं. रोहित शेट्टी से हमारे भी थोड़ा ज़्यादा ही गहरा संबंध है, जब से सर्कस देखी थी हमारा सर चकरा गया था इसके वजह से. और अपनी अभी आए थे गणपत, तो गणपति पप्पा भी बचा नहीं पाए, जैसे अपने ACP सत्या आ गए इसमें. अभी क्या मालूम, आज अभी पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि पुलिस, मतलब ऐसे कॉप यूनिवर्स में पुलिस लोग भी ना ठप डुप फुल पैर वर ऊपर ऊपर करके मार सकते. लेकिन यस, ये जो सारे के सारे पोस्टर्स दिए हैं ना यार, मतलब लग तो रहा है कि ये पिक्चर में कुछ धमाल होने वाला है यार. मतलब बॉक्स ऑफिस पे सच्ची बोलूँ ना, लाइन लगना कन्फर्म है, क्योंकि रोहित शेट्टी को जब से सदमा पहुँचा है सर्कस से, ईगो हर्ट हो गया, आता माजी सटक ली है. तो सिंगम अगेन में ये पूरे स्टार आए ना, तो बॉक्स ऑफिस फाड़ देगा भाई. और क्योंकि और क्योंकि ये बात ये जायज़ भी है, क्योंकि है ना, जब 2021 में ये फिल्म आई थी ना सूर्यवंशी, जब वो 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन वो टाइम पे कंपैरिजन किससे किया था, एंड गेम से कंपैरिजन किया था, क्योंकि एंड गेम जैसा उसका हाइप था. मेरे को अभी भी वो ज़माने याद है, हम लोगों ने ट्रेलर रिएक्शन किया था वो चीज़ पे. लेकिन सच्ची बोलूँ ना, मेरे को अभी भी ऐसा 15 अगस्त की डेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और शायद से क्लैश भी हो सकता है, ऐसा बोल तो रहे क्लैश भी हो सकता है. तो यार सिंगम अगेन विल बी द ब्लॉकबस्टर एंड एज यूजुअल. लेकिन जैसे आपने कहा कि सर्कस में सदमा लग गया था हमको, yes, sir. तो इस बार विलन का नाम सुन के भी सदमा लगा है, अर्जुन कपूर. सर जी, बिग नेम आपके पास में भी आऊंगा मैं. सबसे पहले वही बात पे आने वाला था कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि देखो विलन भी इतना दमदार है कि इतने सब लोग लगेंगे यार उसको धोने के लिए. तो
गंदगी साफ करने के लिए तो पिक्चर है, बंद कर। गंदगी साफ होने के लिए टाइम लगता है कि नहीं सर? किसी को कमबैक लाने के लिए चाहिए ना, झिंझोड़ने के लिए इतने लोग। समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो ना आप? तू समझा ना? इतना फ्लॉप पे फ्लॉप देने के बाद कुछ तो चाहिए ना हिट। आ जाओ भाई, हिट करवा दूंगा मैं। लेडी किलर का बॉक्स ऑफिस क्या था? 3,500 रुपया। भाई क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मुंबई में सिर्फ 400 दिए भाई बेचारा। भाई इतने का तो ये पेडिग्री खिला देता है। सर जी मैं अर्जुन सर जी के वो बोलना चाहूंगा। अर्जुन सर बोला पहली बात भाई विलन विलन। हाँ जी सर, देखो अर्जुन सर जी आप हो झकास, नो डाउट अबाउट। आपके शक्ल से आप झकास दिखते हो, नो डाउट। लेकिन यस, आपको विलन का काम, विलन का काम इसके लिए दिया है कि ये 5 लोग आपको मार सके। आप क्या बोलोगे अर्जुन कपूर? अर्जुन कपूर के बारे में क्या ही बोलूं? या अभी ये लेडी किलर या ऑडियंस किलर आई थी? कोई ऑडियंस नहीं है। पहले वो बता उनको, जो 3,500 का जो ये आया है बॉक्स ऑफिस, इनका तो पेडिग्री खिला देता है ना, इनका तो पेडिग्री खिला देता है स्ट्रेट डॉग्स को बाहर। ये अभी समझा क्या बात है? फ्रेंचाइजी की अगर बात करूं, अभी देखो सिम्बा से सूर्यवंशी आई, अभी सूर्यवंशी से अभी ये सारी, ये सिंघम अगेन। लेकिन ये जो भी कैरेक्टर्स नए नए आएंगे, ऐसे ही हमारे कॉप यूनिवर्स और बढ़ती जाएगी। ये मेरा विग्नेश भी आएंगे एक दिन। विग्नेश भी आएंगे एक दिन। इग्नोर कर दिया है मेरे को, अर्जुन पे बात ही नहीं करना है। लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा कि कॉप यूनिवर्स फट से बंद नहीं करना चाहते तो अर्जुन कपूर को मत लो भाई। थाना बंद हो जाएगा पूरा। नहीं नहीं, एक एक कैरेक्टर्स आते रहेंगे। और इन्होंने जैसे कहा कि कॉप यूनिवर्स अब बढ़ते ही जाएगा, एक दिन वो भी जरूर आएगा जिसमें विग्नेश का भी कैरेक्टर होगा। बस कर यार। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड पोस्टर हमारे अर्जुन कपूर का ही है। जब वो आएगा वापस से आएंगे हम आप तीनों जलूल जलूल। हम आएंगे, गर्मी और ठंडा थोड़ी बढ़ जाएगी। थैंक यू थैंक यू।